अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। आज जा रहे हैं हम सतपारा लेक। जिशान भाई जी अस्सलाम वालेकुम, तमाम देखने सुनने और चाहने वालों को हम सब की तरफ से सलाम। आज अभी हम निकले हैं सतपारा लेक की तरफ। यहाँ से हमारा है कोई तकरीबन 8.5-9 किलोमीटर का सफ़र है। अच्छा। सतपारा लेक का स्कर्दू बाज़ार से। अच्छा। तो यहाँ से निकल कर इंशाल्लाह सतपारा लेक पे पहुँच के फिर आपसे अगली बात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। नहीं, रास्ते का बाज़ार का भी थोड़ा बहुत आपको नज़ारा कराएंगे, देखते रहिए। उधर को कैसे जाएं? हाइकिंग है। हाइकिंग के जूते नहीं ना हमारे पास, ना लेकर आए हैं। पहाड़ों के ऊपर कच्चे रास्ते भी बनाए हुए हैं, बड़े ही खतरनाक किस्म के। ये रास्ता जा रहे हैं। यह सतपारा लेक, सदपारा और सतपारा दोनों ही इसको बोल रहे हैं। पहाड़ों के बीचों बीच है, गिरी हुई है पहाड़ों के दरमियान में। बहुत ही दिलकश खूबसूरत मंजर है। यहाँ से पीछे आप वो सामने जो बादल देख रहे हैं, ये सारे पहाड़ बर्फ़ से ढके हुए हैं। बहुत शदीद किस्म की इधर बर्फ़बारी हुई है, बारिश भी शुरू हो गई है थोड़ी थोड़ी ना साथ में। तंबाई बोर्ड भी लगा हुआ है, किसी शेख को हाथ में लगाए। बेसिकली डैम है,
सिक्योरिटी स्टाफ से तावन करें। इस झील का नाम सतपारा और सदपारा दोनों है, और ये हसन सदपारा मरहूम है जो केटू सर करते हुए शहीद हो गए थे, फूत हो गए थे, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए। ये उनके नाम पर झील है सतपारा, अल्लाह इनके दर्जात बुलंद करे। क्लाइंबर्स ऑफ पाकिस्तान, इनका बाकायदे इधर ये बैनर भी लगा हुआ है, नेफ्यू ऑफ नेशनल हीरो अली मूसा सतपारा, ब्रदर अली मोहम्मद सतपारा। इनका पूरी फैमिली के भी जो बाकी हैं उनके सब के ये लिखे हुए तस्वीर के साथ। ये भी है वेलकम टू स्कर्दू। ये था हमारा आज का सतपारा झील का विज़िट, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।